नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। कल 10 जून है, सोमवार है और बीसीए की जो एंट्रेंस एग्जाम है कल कंडक्ट की जाएगी। टाइमिंग जो है 3 से 5 का टाइमिंग है और मैं आप सभी को बता दूं कि बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप सभी को आपकी जो रिस्पेक्टिव बिल्डिंग जो एग्जामिनेशन सेंटर आया हुआ है वहाँ पर आपको 2 से लेकर 2:15 के बीच में रिपोर्टिंग करना रहेगा और उसके बाद में 3 बजे एंट्रेंस एग्जाम जो है वो स्टार्ट होगी। मैं आप सभी को बता दूं कि एग्जामिनेशन सेंटर का वेन्यू और लोकेशन कहाँ पे है। तो सबसे पहले जो बिल्डिंग है फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ साइंस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का नंबर आया हुआ है। तो फैकल्टी ऑफ साइंस का जो वेन्यू है लोकेशन वो किस तरह वहाँ पर जाया जा सकता है, तो ये जो फिलहाल आप देख रहे हो ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का मेन एंट्रेंस गेट है। जब आप रेलवे स्टेशन नियर काला घोड़ा के पास आओगे तो यहाँ पर ये आपको जो एमएस यूनिवर्सिटी है वो आपको दिखाई देगी। रेलवे स्टेशन के आगे ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का जो मेन गेट है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको एंट्री लेनी है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के मेन गेट से और एंट्री लेकर आपको सीधा यहाँ से यहाँ आगे की तरफ जाना है। यहाँ की तरफ से आपको ये जो रास्ता दिख रहा है सीधा स्टेट में, यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स लिखा हुआ है और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के आगे सीधा आपको जाना है ऊपर आके स्टार्ट। तो फिर ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से हम सीधा जा रहे हैं, यहाँ से आपको आगे जाना है अगर आप फैकल्टी ऑफ साइंस पे जा रहे हो। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि जो 3 वेन्यू है बी सी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एक है फैकल्टी ऑफ साइंस, सेकेंड है जनरल एजुकेशन बिल्डिंग जिसको हम यूनिट बिल्डिंग कहते हैं वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर आई हुई है, और थर्ड जो बिल्डिंग है उसका नाम है सी वी रमन बिल्डिंग जो है वो फैकल्टी ऑफ साइंस का ही एक पार्ट है। तो फिलहाल हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के रास्ते से आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको इसी रास्ते से आना रहेगा। ये यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस का जो गार्डन है वो आ चुका है। अब ये एग्जैक्टली जहाँ पर हम आ चुके हैं फैकल्टी ऑफ साइंस एकदम स्ट्रेट में आपको दिख रही होगी, ये फैकल्टी ऑफ साइंस है और ये फैकल्टी ऑफ साइंस का एंट्रेंस है। तो यहाँ से आपको अंदर जाना रहेगा बीसीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जिसका भी एग्जामिनेशन जो वेन्यू है वो फैकल्टी ऑफ साइंस पर आया हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो फैकल्टी ऑफ साइंस के पास हम पहुंच चुके हैं। जब भी कल आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचोगे तो सामने जो नोटिस बोर्ड है वो लगा हुआ है, वहाँ नोटिस बोर्ड पर आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट है और जो ब्लॉक नंबर है वो आपको दिख जाएगा बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये था फैकल्टी ऑफ साइंस का एग्जामिनेशन सेंटर का वेन्यू। अब हम फैकल्टी ऑफ साइंस से एग्जिट हो रहे हैं और फैकल्टी ऑफ साइंस से एग्जिट होकर हम जाएंगे जनरल एजुकेशन बिल्डिंग यूनिट बिल्डिंग की तरफ। तो वापस यहीं से हमको रिटर्न हो जाना है, यहाँ से हम रिटर्न हो रहे हैं फैकल्टी ऑफ साइंस है। अब वापस जो हमको टर्न है टर्न लेना है वो राइट साइड हम टर्न लेंगे। ये फैकल्टी ऑफ साइंस के हम बाहर मेन रोड पर आ चुके हैं। ये फैकल्टी ऑफ साइंस है और बीसीए का जो कोर्स होता है एक्चुअली वो फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर आता है, क्योंकि 12th कॉमर्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो कोर्स है वो होता है कॉमर्स के अंदर, लेकिन ये फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर है। तो आपको यहाँ से टर्न लेना रहेगा वापस राइट साइड और यहाँ से भी आपको सीधा सीधा जाना है। फिलहाल हम फैकल्टी ऑफ साइंस के पास ही चल रहे हैं। अब यहाँ से हम सीधा आ गए। अब यहाँ से जनरल एजुकेशन बिल्डिंग का जो रास्ता है वो आपको दिख जाएगा, ये छोटा सा ब्रिज आया हुआ है, यहाँ से कार नहीं जा सकेगी। इफ टू व्हीलर हो तो आप जा सकते हो, अगर कार लेके आ रहे हो तो आपको जो पार्किंग है वो फैकल्टी ऑफ साइंस नहीं तो फिर कॉमर्स की जो फैकल्टी है वहाँ पर आपको करना रहेगा। और ब्रिज जैसे हमने क्रॉस किया तो सीसी मेहता ऑडिटोरियम है ये आ चुका है, गूगल मैप पे आप सर्च करोगे तो सीसी मेहता ऑडिटोरियम आपको दिखाई देगा। और जो जनरल एजुकेशन बिल्डिंग है ये हम वहाँ पर आ चुके हैं, ये जनरल एजुकेशन बिल्डिंग है जिसको हम हायर पेमेंट बिल्डिंग कहते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आया हुआ है जनरल एजुकेशन बिल्डिंग के पास। तो आप ये देख सकोगे कि जनरल एजुकेशन बिल्डिंग ये है और जनरल एजुकेशन बिल्डिंग का जो एग्जैक्टली लोकेशन है मैं आप सभी को बताता हूँ। तो जनरल एजुकेशन बिल्डिंग का जो लोकेशन है डी एन हॉल क्रिकेट ग्राउंड है उसके पास आया हुआ है। आप गूगल मैप पर सर्च करोगे सीसी मेहता ऑडिटोरियम
अदरवाइज डीएन हॉल क्रिकेट ग्राउंड। तो ये जो जनरल एजुकेशन बिल्डिंग है वो आपको दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको एंट्री जो है यहाँ से लेनी रहेगी जनरल एजुकेशन बिल्डिंग पे। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये आपको पिल्लर दिख रहा है, यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा यहाँ पर आपका ब्लॉक नंबर दिख जाएगा आपको, और जो आपका सीटिंग नंबर सीटिंग अरेंजमेंट नंबर है वो आपको इस ब्लॉक पे दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो एग्ज़ाम है देने आना रहेगा, जिसका भी नंबर यूनिट बिल्डिंग जनरल एजुकेशन बिल्डिंग पर आया है, और एंट्री यहाँ से करनी रहेगी। तो ये था जनरल एजुकेशन बिल्डिंग यूनिट बिल्डिंग का जो एग्जामिनेशन लोकेशन है वेन्यू वो। अब इसके बाद में हम यहाँ से वापस चलेंगे सी वी रमन बिल्डिंग पे, जो लास्ट एग्जामिनेशन सेंटर है। तो सी वी रमन बिल्डिंग कहाँ पे आया हुआ है तो वो भी मैं आपको बता दूँ। तो अब हम जनरल एजुकेशन बिल्डिंग से सी वी रमन की बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये जनरल एजुकेशन बिल्डिंग आपको दिख रही है, तो यहाँ से अब हम एग्जैक्टली जा रहे हैं सी वी रमन बिल्डिंग। ये रास्ता जो है सीधा सीधा जाएगा, और ये डी एन हॉल क्रिकेट ग्राउंड है जो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया। अब बात करेंगे कि सी वी रमन बिल्डिंग कहाँ पर आई हुई है, तो आप देखना एग्जैक्टली यहाँ से आपको जाना है। अगर आप पीछे के गेट से आ रहे हो तो भी आप आ सकते हो, और पीछे के गेट से पीछे का जो मेन गेट है वहाँ से जो आपका व्हीकल है जैसे कि टू व्हीलर है अदरवाइज फोर व्हीलर है तो वो इजीली आ सकता है। पीछे का गेट वो एकदम सामने दिख रहा है। अब यहाँ से हमको राइट साइड टर्न लेना है। ये फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है। अब यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं सी वी रमन बिल्डिंग की तरफ। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर जैसा मैंने बताया, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग का ये आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है। यहाँ से सीधा हम आ चुके हैं अब सी वी रमन बिल्डिंग पर। तो जी हाँ, सी वी रमन की जो बिल्डिंग है ये आ चुकी है एग्जैक्टली। ये आप देख लीजिए मेरे सामने सी वी रमन बिल्डिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए जो बनाई गई है उसके लिए। और ये सी वी रमन बिल्डिंग जिस भी स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन सेंटर है सी वी रमन बिल्डिंग पर आया हुआ है उन सबको इस बिल्डिंग पर आना है। और जो बहुत पहला है फैकल्टी ऑफ साइंस, सेकंड है जनरल एजुकेशन बिल्डिंग, और थर्ड है सी वी रमन बिल्डिंग। तो सी वी रमन बिल्डिंग ये है, और यहाँ से आपकी एंट्री होगी, और कल नोटिस भी लग जाएगा कि किस स्टूडेंट्स को कौन से ब्लॉक में बैठना है। तो ये था एग्जामिनेशन वेन्यू लोकेशन। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और आपके सभी फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। और डॉक्यूमेंट में आप लोगों ने जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए फीस पेमेंट की थी MSU के पोर्टल पर 600 रुपीज़, उसका जो रिसिप्ट है उसका जेरोक्स, और गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपका आधार कार्ड ना हो तो बर्थ सर्टिफिकेट का जो जेरोक्स कॉपी है वो लेकर आना रहेगा। बस ये दो डॉक्यूमेंट लेकर आने रहेंगे। और जो रिपोर्टिंग टाइम है 2 से 2:15 के बीच में आपको आपकी जो रिस्पेक्टिव जो एग्जामिनेशन सेंटर की बिल्डिंग है वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी रहेगी। और मैं आप सभी को बता दूं कि BCA के एंट्रेंस एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी होंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है तो 0.5 मार्क्स आपके जो कट हो जाएंगे, अदरवाइज एक क्वेश्चन राइट होता है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 50 MCQ आएंगे, पर MCQ के 2 मार्क्स होंगे, और 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। तो कल के लिए जो एग्जाम स्टार्ट हो रही है उसके लिए आप सभी को विशिंग ऑल द बेस्ट। और ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन AGSU के जो मेंबर्स हैं वो आपको हर एक बिल्डिंग पर मिलेंगे। अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो आप उनसे हेल्प जरूर मांगना। नमस्ते।